ताजा तस्वीरें आपको दिखाते हैं, सीधी तस्वीरें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की। और यहाँ पे अभी टोक्यो में हमने एक दो पहलों की ऐलान किया है, जो कि एक है हिंद प्रशांत अर्थव्यवस्था का रूपरेखा और दूसरी जो कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और दूसरा है इंडो पैसिफिक मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रोग्राम, जो कि हमको भारत को और अमेरिका को साथ ले आएगा और अन्य राष्ट्रों के साथ भी, और वो हमारे I'm pleased that we've reached agreement for the U.S. Development Finance Corporation to continue its important work in India, supporting vaccine production, clean energy initiatives, and I'm also glad we're renewing the Indo-U.S. Vaccine Action Program. और मुझे भी ये भी प्रसन्नता है कि हमने एक और एक समझौता अनुबंध अपना किया है अमेरिका के लिए अपने विकास वित्त निगम के लिए, और उसको हम जारी रख रहे हैं और बहुत एक आवश्यक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं जो कि भारत को मदद कर रहा है वैक्सीन उत्पादन के लिए और स्वच्छ ऊर्जा के निवेश के लिए। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने अपना भारत और अमेरिका का वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम में भी नवीनीकरण कर दिया है, इसको रिन्यू किया है। We also discussed the ongoing effects of Russia's brutal and unjustified invasion of Ukraine and the effect it has on the entire global world order. And the U.S. and India are going to continue consulting closely on how to mitigate these negative effects. और हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे जो कि रशिया के क्रूर और अनुचित युद्ध के विरुद्ध जो उन्होंने किया है, जिसका पूरे विश्व पर असर पड़ रहा है, और इसमें हम बहुत बारीकी से निरंतर परामर्श करते रहेंगे भारत में और अमेरिका के मध्य, और इसके ऊपर हम ये विचार करेंगे कि किस प्रकार इसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। I'm looking forward to continuing our conversation today. Mr. Prime Minister, there's so much that our countries can and will do together, and I'm committed to making U.S.-India partnership among the closest we have on earth. माननीय प्रधानमंत्री, मैं बहुत उत्सुक हूँ अपने वार्तालाप के लिए, और मैं हम दोनों देश और राष्ट्र इतना कुछ कर सकते हैं और करेंगे मिलकर, और मुझे पूरी मेरी प्रतिबद्धता है कि मैं अमेरिका और भारत के आपस के रिश्ते को, साझेदारी को बहुत नजदीकी बना दूं इस पूरे धरती पर। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपसे मिलकर हमेशा बहुत खुशी होती है। आज हमने एक और सकारात्मक और उपयोगी क्वाड समिट में भी साथ साथ भाग लिया। Mr. President, it's always a pleasure to meet you, and today we also participated together in a very positive and useful Quad Summit. भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सही मायने में एक पार्टनरशिप ऑफ ट्रस्ट है। The India-America Strategic Partnership is in the true sense a partnership of trust. हमारे साझा मूल्यों और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में हमारे समान हितों ने इस ट्रस्ट के बॉन्ड को मजबूत किया है। Our common interests in defense and other relations, defense and other matters, and our shared values have indeed strengthened this bond of trust between our two countries. हमारे पीपल टू पीपल रिलेशंस और घनिष्ठ आर्थिक संबंधों में भी हमारी पार्टनरशिप को यूनिक बनाते हैं। आवर पीपल टू पीपल रिलेशंस एंड आवर स्ट्रांग इकोनॉमिक
कोऑपरेशन मेक्स आवर पार्टनरशिप इवन मोर यूनिक। हमारे बीच ट्रेड और निवेश में भी निरंतर विस्तार होता जा रहा है, यद्यपि ये हमारे पोटेंशियल से अभी बहुत कम है। Our trade and investment relations are also steadily on the rise, but they are still well below potential. मुझे विश्वास है कि हमारे बीच इंडिया यूएसए इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट से निवेश की दिशा में कॉन्क्रीट प्रगति देखने को मिलेगी। I am absolutely confident that with the conclusion of the India-USA Investment Incentive Agreement, we will see concrete progress in investment between our two countries. हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा रहे हैं और वैश्विक मुद्दों पर भी आपसी समन्वय सुदृढ़ कर रहे हैं। We're also increasing bilateral cooperation in the domain of technology and even on global issues we cooperate closely. हम दोनों ही देश के इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में भी समान नजरिया रखते हैं और न सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर बल्कि अन्य लाइक माइंडेड देशों के साथ अपने साझा मूल्यों और साझा हितों को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। We both share similar views on the Indo-Pacific and at the bilateral level as well as with like-minded countries we continue to work to protect our common concerns. Quad aur kal ghoshit IPEF iske sakriya udaharan hai. Aaj hamari charcha se is positive momentum ko aur gati milegi. The Quad and the IPEF are two important examples of this cooperation and I believe that our discussions today will give even further speed to this positive momentum. Mujhe vishwas hai ki Bharat aur America ki mitrata vaishvik shanti aur sthirta planet ki sustainability aur manav jati ke kalyan ke liye ek force for good bani rahegi. I am absolutely sure that the India-US friendship will continue to be a force for good, for global peace and stability, for sustainability of the planet, and for human development. So much. Thank you. Mr. President, will you please, Prime Minister Modi, to take a tougher stance on Russia? This ain't like they didn't ask Prime Minister Modi to leave himself out of Russian oil. Are you going to help us get some money? प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका की दोस्ती ये पार्टनरशिप ऑफ ट्रस्ट है, ये पार्टनरशिप ऑफ ट्रस्ट है। इन शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया और कहा कि व्यापार और निवेश में जबरदस्त काम कर रहे हैं हम, लेकिन जो हमारा पोटेंशियल है, जो हम कर सकते हैं, उससे अभी भी ये कम है, इसे हमें और बढ़ाना होगा। भारत और अमेरिका के बीच जो अग्रीमेंट हो रहा है, इससे निवेश और व्यापार और आगे बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी के मामले में, चाहे वैक्सीन के प्रोडक्शन के मामले में। हम आपस में मिलकर काम करते रहेंगे, भरोसे से कई क्षेत्र में हमारे रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं, रक्षा सहित कई क्षेत्र में हमारे हित साझा हैं, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारा नजरिया जो है वो समान है और इसीलिए हमारे बीच की जो दोस्ती है वो पार्टनरशिप ऑफ ट्रस्ट है, ये भरोसे की दोस्ती है, ये भरोसे की साझेदारी है। भारत और अमेरिका के बीच की साझेदारी को पार्टनरशिप ऑफ ट्रस्ट बताया प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाइडेन को। उससे पहले आपने सुना, उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया, उनकी तरफ से वैक्सीन के प्रोडक्शन को लेकर सपोर्ट की बात की गई, क्लीन एनर्जी के इनिशिएटिव की बात की गई, इसी के साथ साथ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की उनकी तरफ से बात की गई और इन संबंधों को और आगे बढ़ाने पर उनकी तरफ से जोर दिया गया। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अमेरिका की दोस्ती ये पार्टनरशिप ऑफ ट्रस्ट है और इसीलिए रक्षा सहित कई क्षेत्रों में हमारे साझा हित हैं, समान मूल्य हैं, इसी से हमारी दोस्ती और मजबूत बनती है, इसमें भरोसा और बढ़ता है। फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट रविंदर सचदेव और संजीव जी इस वक्त हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ हैं। रविंदर,
सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज, दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, बात करने का तरीका, क्या संकेत मिला? कंफर्टेबल, रिस्पेक्टेबल टू ईच अदर, इक्वल्स अगर कहें तो उस तरह की बॉडी लैंग्वेज दोनों की दिखी। जो चीज मुझे निकल के आई, एक तो आपने जो पॉइंट किया, डेफिनेटली यस, ये जो ट्रस्ट पे का पार्टनरशिप ऑफ ट्रस्ट, ये बहुत बड़ी चीज है इंटरनेशनल रिलेशंस में। ट्रस्ट कोई सिंपल सादा वर्ड नहीं है, क्योंकि सारे देशों के रिलेशन डिपेंड करते हैं ट्रस्ट पे। जितना ज्यादा ट्रस्ट होगा, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स कॉमनली सॉल्व हो सकती है। तो जब ये कहा पार्टनरशिप ऑफ ट्रस्ट है, इट्स अ बिग वन। बाय द वे, ये पार्टनरशिप ऑफ ट्रस्ट भारत की शुरू हुई थी यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील को, उसको कहा जाता था एटम्स फॉर पीस एंड ट्रस्ट, कि अमेरिका और भारत के बीच में ट्रस्ट है, तभी हाई टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर डील। थोड़ा सा ऑडियो में आपके दिक्कत आ रही है, आपके पास लौटता हूं जल्दी से। संजीव जी, सभी मुद्दों का जो जिक्र हुआ आपने सुना, दोनों की बॉडी लैंग्वेज आपने देखी, आपका पहला रिएक्शन? देखिए, भारत और अमेरिका के बीच की ये जो रणनीतिक साझेदारी है, जो पार्टनरशिप है, ये विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध हैं। ये संबंध साझा मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों और साझा चुनौतियों पर आधारित है। इंडो पैसिफिक रीजन में विशेष रूप से जिस तरीके से चाइना का दबदबा बढ़ता जा रहा है, चाइना पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को जिस तरीके से वो डिसरप्ट करने की साजिशें रच रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए ये जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं और तेज गति से अपनी लामबंदी कर रहे हैं, और क्वाड की जो अभी बैठक हुई है, और ये जो बायलेटरल जो भारत और अमेरिका के बीच में जो बैठक हुई है, जो ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ जो बायलेटरल जो मीटिंग्स हैं, और जाहिर है कि उन सभी में ये चारों जो विश्व के बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं उनके बीच के संबंध गहरे होंगे, प्रगाढ़ होंगे। जहां तक भारत और अमेरिका के बायलेटरल रिलेशंस की बात है, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इस रिलेशनशिप को वर्तमान समय में कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का दर्जा प्राप्त है। चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो कृषि हो, स्वास्थ्य हो, स्पेस हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन हो, इंडो पैसिफिक रीजन में कोलैबोरेशन की बात हो। माफी के साथ मुझे संजीव जी को रोकना पड़ा, समय मेरे पास इतना ही है, छोटा सा ब्रेक लेना होगा। प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, आमने सामने ये मुलाकात और किन मुद्दों पर बातचीत होगी, ये सब कुछ साफ कर दिया गया। लेकिन सबसे अहम बात, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत अमेरिका की दोस्ती ये पार्टनरशिप ऑफ ट्रस्ट है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।